बिलासपुर में शनिवार को जिला सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ एवं समाज समन्वय समिति की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत ढोल नगाड़े के साथ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति, विकलांग कल्याण संघ एवं पूर्व सैनिक लीग सहित अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने काफी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर समिति ने संरक्षक पंडित किशोरी लाल शर्मा की अगुवाई में AC2DC राजीव ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस संरक्षण पंडित किशोरी लाल शर्मा, अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति के अध्यक्ष बिजली महंत व पूर्व सैनिक लीग के प्रधान कर्नल रूपेंद्र सिंह चंदेल सहित अन्य ने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन नशे की गर्त में डूबती जा रही है। संगठन द्वारा युवा पीढ़ी को नशे से बचाने एवं समाज को जागरूक करने के उद्देश्य पूरे जिले में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इन पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में फैल रहे नशे को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस दौरान सरकार से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्लास्टिक के पैकेटों में बिकने वाले दूध, घी, तेल व अन्य खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाने, बेरोजगार की समस्या का समाधान करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू करने व गो संरक्षण पर बल देने की मांग की है। इस अवसर पर संघ के प्रधान युगल किशोर, महासचिव सुरेंद्र शास्त्री, कोषाध्यक्ष अश्विनी चंदेल, मदन प्रेमचंद, जगन्नाथ अधिवक्ता प्रवेश चंदेल, कर्नल करनैल सिंह चंदेल, कैप्टन सुरेंद्र, विनोद सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। सारा समाज सोया हुआ है, सब तरह आग लगी है, जल रही है ये जमीन, जल रहा है आसमां, चलो हवन करें जब समाज की अपनी ज़िंदगी को। ये हमारा नारा है, समाज सोया है, सरकार सोई है, अगली पीढ़ी मर रही है, जल रही है, हर एक गांव इसमें लपेटे में आ चुका है और अगली पीढ़ी जो है हमारा वंश खत्म हो जाएगा, हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी और इस समाज खत्म हो जाएगा। जैसे यदुवंश खत्म हुआ था वैसे इसका भी नाश होने वाला है अगर इसको रोकेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जाग जाओ, समाज वालों जाग जाओ और उठो जागो, अगर सोए रहेंगे तो सोए सोए ही इसका नाश हो जाएगा, अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, यही मेरा कहना है। हिमाचल प्रदेश स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।